थोड़ा राइट लीजिए, राइट, हाँ बस। आज मेरे चाचू की शादी है, आज मेरे चाचू की शादी है। मैं जानता हूँ माँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन माँ आज शादी है, आज का दिन प्लीज कुछ गलत मत बोलिएगा। तुमने तो सबकी बोलती बंद ही कर रखी है नरेश। हमेशा से अपने पोते की बहू चुनने का सपना देखा था मैंने, यहाँ तक कि तुमने तो अपने पोते की बारात में शामिल होने का हक भी छीन लिया हमसे। शादी की सारी रस्में घर में ही रख ली। इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो रही हैं? शगुन के लिए बारात का चक्कर गली में ही लगवा रहे हैं, उसी में जी भर के नाच लीजिएगा। अरे तू बेटा, मैं आती हूँ। जी पापा। देखो हल्दी के लिए निहार तैयार हुआ या नहीं? हाँ पापा जी, माँ बुलाने गई है निहार भैया को। ठीक है। निहार बेटा, आई एम सॉरी, तेरी माँ हार गई, तेरी खुशियां नहीं दे पाई मैं तुझे, पर बेटा जो कुछ भी अब हो रहा है ना, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए उसे मान लेने में ही हमारी भलाई है। हल्दी का टाइम हो रहा है, उठ जा, तुझे तैयार भी तो होना है ना। निहार, 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 माँ, निहार जितनी जल्दी शादी को अपना लेगा उतना उसी के लिए अच्छा होगा। प्रतीक के पापा, माँ, माँ, प्रतीक के पापा, जिसका डर था वही हुआ, सब खत्म हो गया, निहार घर छोड़कर चला गया। सॉरी पापा, आप झुक नहीं सकते तो मुझसे भी झुकने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत कोशिश की मैंने आपको मनाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब कभी इस जेल में वापस नहीं आऊंगा। हार ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकता है? मेरे बच्चे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया आपकी वजह से, हमारा बच्चा घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जब अपने पराये हो जाते हैं ना, तो इंसान परायों में अपनापन ढूंढता है। बस बहुत हो गई तेरी जिद, अब और नहीं। मैं अभी के अभी श्रीधर को फोन करके सारी सच्चाई बता देती हूँ। जब तक ये शादी कैंसिल नहीं होगी, तब तक हमारा निहार वापस नहीं आएगा। ये शादी कैंसिल नहीं होगी माँ। अगर निहार जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूँ। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन मैं निहार को ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
आज इस मंडप में निहार और रुचिता के फेरे होके रहेंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां और कब तक भागता है। तुझे क्यों लगाया मेरे चेहरे पे? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, ये शादी कैंसिल हुई भी या नहीं। डोंट वरी निहार, मैं अभी रितु दी से बातों बातों में पूछती हूँ कि वहां क्या चल रहा है। यस प्लीज। I'm सॉरी पापा, मैं जानता हूँ कि आपको हारने की आदत नहीं है, लेकिन इस बार आपको अपने बेटे से हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा।